खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्लोबल एडवर्टाइजर फॉर इनोवेटिव आउटडोर सॉल्यूशन। ग्लोबल एज अ कंपनी, इट हैज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट्स सर्विस क्वालिटी एंड कमिटमेंट। इतना अच्छा काम करने के लिए हिम्मत किया उस शख्स को, मिस्टर डॉक्टर हुज, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी मैं। उसके बाद आज वर्ल्ड पीस हार्मनी के सभी एम्बेसडर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी। जैसे मैंने कहा, आई एम रिलेटेड टू सोशल वर्क्स, सोशल इवेंट्स एंड आई एम रिलेटेड टू सो मेनी एनजीओस। मैं ये चाहूँगी एनजीओस के थ्रू ऑलरेडी मैं कर रही हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा करूँ। सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा आज जितने भी हस्ती मुंबई की, हिंदुस्तान की, जिनको वर्ल्ड पीस एम्बेसडर बनाया गया। मैं डॉक्टर हुस का शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर हुस से को यकीन दिलाता हूँ कि उन्होंने अगर हमें पीस एम्बेसडर चुना है तो हम इसमें पूरे उतरेंगे और हम जो हमारे से होगा हिंदुस्तान में और वर्ल्ड में पीस फैलाने के लिए वो सब काम करें। आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव बीन सेलेक्टेड एज अ वर्ल्ड पीस एम्बेसडर एंड इट्स ओनली आफ्टर कमिंग हियर दैट आई रियलाइज व्हाट अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज। आई अग्री विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल दैट येस, पीस स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। दे से चैरिटी बिगिंस एट होम, आई वुड से पीस बिगिंस एट होम। सो आई थिंक वी ऑल, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आवर मॉरल ड्यूटी टू स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव थॉट्स, पीसफुल थॉट्स एंड देयर बाई ट्रांसलेटिंग टू अ पीसफुल एक्शन। बट टेकिंग दिस फॉरवर्ड, me being a stand-up comedian, me being a model, me being into so many things, I think I'm going to use all my platforms to spread peace as much as possible, because I think I'm in a position of influence at this point in life, and whatever little good I can do to spread peace, to spread good values, I am going to use every platform, including my comedy platform. Peace hamesha within aata hai, and we all aware that these day we require lot of peace to be restored, because the whole as large, the world at large is suffering for different reason. So I think ki we need to work very positively towards the development, towards the peace, towards the cause of peace, you may say.
and we have given a lot of responsibility to deliver. And this kind of platform is definitely very useful. And the way Dr. Hoos is conducting this program, I appreciate his noble job, and it has given us a lot of responsibility to do so. Peace सबसे पहले अपने अंदर होना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस जो है वो बचपन से होनी चाहिए. जब आप जब छोटा बच्चा हो तब से उस तरह से अगर उसका फ्रेम ऑफ माइंड वैसा बनाया जाए. बहुत अच्छा एग्जांपल है सर ने गुरबानी का, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया. उसमें एक और लाइन आती है कि कार सुख बसया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरुमंत्र दृढ़ा है. अगर अंदर आपके पीस है तो फिर आप सबको पीस बांट सकते हैं. तो मुझे लगता है कि पीस सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए और वही चीज़ आप स्प्रेड कर सकते हैं. उसी वो प्रैक्टिस आपको बचपन पे आपका जो माहौल है, आपका घर का माहौल है, आपका फैमिली माहौल, वहाँ से शुरू होना चाहिए. अब मुझे लगता है कि ये इसकी जिम्मेदारी हम सब पे है कि पीस, यही नहीं कि जब बड़े हो जाएं तो पीस की बात करें, बचपन से ही माइंड सेट ऐसा होना चाहिए पीस के लिए. और सर मैंने जो बताने सी बातें जो बात की है पहले भी मैंने जो जिक्र किया है, जैसे अरविंदर जी बता रहे थे कि वाकई पीस, प्यार, सब्र, शांति, मन की शांति, ये अंदर से ही पैदा आदमी को करनी चाहिए. अंदर से होती है, लेकिन जब नहीं होती है, क्योंकि कई आप देखते हैं डिप्रेशन के जो लोग जो पेशेंट्स होते हैं, हालांकि डिप्रेशन अभी फुल्ली क्योरेबल है, फिर भी डिप्रेशन में क्यों जाता है आदमी? अंदर जो उसकी भावनाएं हैं वो उछल पुछल करती रहती हैं. दे आर नॉट स्टेडी, जैसे समुंदर में लहरें उठती हैं, वो एक समुंदर शांत होता है, एक लहरें वाला और समुंदर होता है. तो अगर अपने जैसे समुंदर शांत समुंदर है या शांत एक नदी है, हमारा मन भी वो शांत नदी की तरह होना चाहिए. अगर वो शांत रहेगा तो सारा वातावरण जो है अपने आप संभलना, सुधरना और बड़ा अच्छा हो जाएगा. तो पीस एम्बेसडर बनना एक हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई, हमारे शोल्डर्स पे जिम्मेदारी आ गई है. और जितने यहाँ पे जिन्होंने को ये अवार्ड मिला है या एम्बेसडर बने हैं, वो अपने अपने फील्ड में बड़ा अच्छा कर रहे हैं, एक रोल मॉडल हैं. तो ये एम्बेसडर बनना हमारे लिए, हम सब के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, विच वी हैव टू शोल्डर. जो हम काम कर रहे हैं, जैसे ये म्यूज़िक लाइन में है, ये पॉलिटिकल लाइन में है, मैडम भी आई थिंक शी इज़ इनटू सोशल वर्क, विच यू से मुबारकबाद है सबको. तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर ज़्यादा बढ़ गई है. तो हम ये प्रण करते हैं या ये प्रॉमिस करते हैं कि हम इस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाएंगे और निभा के इस संसार में, जैसे मैंने बताया, अपने घर में, बिल्डिंग में, सोसाइटी में, अपने सिटी में, स्टेट में, देश में, फिर ग्लोबली इसको फैलाने की कोशिश करेंगे. जितना हिस्सा हो सकता है, जितना कुछ हमारे से हो सकता है, तन मन धन से हम प्यार की जो खुशबू है, जो हमारा गुलदस्ता है, हमारा देश, वो फैलाने की कोशिश करेंगे.